हेलो, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और इतना कीमती समय देकर मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और ये रात का टाइम है, लगभग 12 बजे। तो जी हाँ, आज है मेरा जन्मदिन। रक्षाबंधन के दिन ही मैं पैदा हुई थी, पुन्नवासी थी उस दिन, और उसी दिन मैं पैदा हुई थी रक्षाबंधन के दिन। और तारीख 28 अगस्त था, लेकिन उसी 28 अगस्त को रक्षाबंधन था। तो पापा मेरे हमेशा मेरा जन्मदिन मतलब रक्षाबंधन के दिन ही मनाते थे, क्योंकि मैं रक्षाबंधन के दिन पुन्नवासी को पैदा हुई थी। तो चलिए, आप भी मेरे साथ मेरे जन्मदिन में शामिल हो जाइए। तो ये मेरा छोटा वाला बेटा मेरे लिए ये सस्पेंस रखा था। उसने 12 बजे रात मुझे जगाया और वो केक लाया था, तो उसने केक कट करवाया। मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं सबका जन्मदिन, सबका सब कुछ सेलिब्रेट मैं ही करती हूँ। आज बेटे ने सेलिब्रेट मेरा किया, मुझे बहुत खुशी मिली, बहुत खुशी मिली। इस खुशी को मैं आप लोगों के सामने कह नहीं सकती हूँ। तो चलिए, आप सब लोग भी मेरे जन्मदिन में शामिल हो जाइए। आज इस पल में मैं अपने पापा को भी बहुत मिस कर रही थी, क्योंकि मेरे पापा रक्षाबंधन के दिन सुबह सुबह मेरे पास फ़ोन करते थे और जन्मदिन की बधाइयाँ देते थे। यहाँ मैं अपने घर से 12:30 बजे चली और 3:30 बजे मैं अपने मायके आ गई हूँ। तो चलिए, रक्षाबंधन बांधते हैं अपने भाई को। पापा सामने देख, अभी वो बनवाया ही कहाँ है? स्टार का गेट बनवाया, कम से कम जो है परीक्षा दी जाते हैं, गेट बनवा देता है। काम हम ही करेंगे, कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। तो बहुत जरूरी सर है, थोड़ा तो बहुत सारी सेविंग एक बार में आपके हाथ में लगा रहा हुआ आप की होंगे। तो बस यहाँ पर मैं अपने बड़े भाई को राखी बांधने जा रही हूँ। इसके बाद फिर छोटे वाले भाई को भी बांधूँगी राखी। और आज मेरे लिए ना बड़ा ही ये खुशी का पल है। और लेकिन कहीं ना कहीं मन में दुख भी था, क्योंकि पापा नहीं हैं। क्योंकि जब भी मैं अपने मायके जाती थी, सबसे पहले पापा मेरे जन्मदिन की मिठाई मुझे खिलाते थे, उसके बाद ही मैं अपने भाइयों को राखी बांधती थी। तो आज तो अंदर से मन दुखी भी था, जाहिर नहीं किया किसी को। आंसू आ ही गया था। कहाँ थे चाचा? क्योंकि पापा कहते हैं उनके लिए ना परी होती, तो वही थी मैं अपने पापा के लिए। बहुत मानती थी, बहुत दुलार और बहुत प्यार से पाला था पापा ने मुझे। उसके आगे मैं कुछ नहीं कह पाऊंगी। कहानी करना होती और हमारी औषधि है, नीम का देवी तो कोरोना माई भी होती है। झांसी में रुकिया माई का मंदिर है, वहाँ का विश्वविद्यालय देख लो, बहुत अच्छा लग रहा है।
आप फोन फोटो खींचो, फोटो खींचो उसने अच्छे से खींचना, पकड़ के अच्छे चॉकलेट रख के खींचो। अच्छे से खींचना फोटो। और कम हो तब समझ रहा है, इनका 60 किलो वजन होना चाहिए। अभी सर कुछ नहीं सर, कल तो रहे 4-5 किलो। सामने देखिए बुआ और चाचा। 5 किलो चाचा चॉकलेट भी खाओगे? चॉकलेट ये अपना मम्मी नहीं खोल ले प्रिया बेटा के खाना खाओगे तो खोलने के लिए कहीं है बुआ, तो आप बुआ को दे दो। ये मंत्र बोली हे राजा बलि बद्धो दान जीरो महाबला देव मध्यम महाचल 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 मंत्र में दान जरूर आता। किसी ने फसा लो पापा का टेलीफोन। चाचा सामने भी देख लो एक बार। अच्छा खींचो प्रिया सास, खींचो हमारे पास खींचो। कहाँ ले आओ भैया फोन ले आओ। तुरंत ही पानी ना ले जाओ। लाइटर तू देता ही नहीं है। बस यहाँ पर हम सभी लोग बैठे थे, बातें कर रहे थे और आज ना बहुत खुशी मिली मुझे। और कहीं ना कहीं मेरी माँ का भी दुखी था दिल जो है, लेकिन ना वो कुछ कहीं ना मैंने उनके सामने अपने दुख को जाहिर किया। तो बस ये रहा मेरा मायके का ब्लॉग, छोटा सा, ज़्यादा तो मैं नहीं बना पाई हूँ, थोड़ी थोड़ी वीडियो मेरी भतीजी ने निकाला था जो बस है। नाश्ता पानी किया, खाया खाना वाना भी खाए जो है, लेकिन मैं कुछ वीडियो नहीं शूट कर पाई थी जो है। फिर मैं 5 बजे वहाँ से निकल आई थी जो है, तो बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत फ़ोटो भी शूट करवाया। आज ना बहुत ज़्यादा थी, तो ये मेरी छोटी वाली भाभी का रूम है, वहीं मैं बैठी थी और यहाँ मैं अपने मम्मी के साथ थोड़ा सा फ़ोटो और वीडियो भी शूट कर रही थी। यही सब यादें हैं जो खुशियों के रूप में हम सबते हैं। तो ये रहा मेरा मायके का ब्लॉग, कैसा लगा तो लाइक जरूर करना। जो नए भाई बहन है चैनल को सब्सक्राइब करना। ये मेरी बड़ी भाभी है, तो यहाँ पर हमने थोड़ी बहुत फ़ोटो भी शूट की। तो ठीक है, रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।